हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के लिए बंद है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि घर पे बैठे क्या करूँ। तो फिर मैंने नवरत्न हेयर ऑयल की चंपी की है हेयर पे, तो इतना सा नवरत्न लिया और सारे हेयर्स पे मैंने इस तरह से अपने हेयर पे लगा दिया। एटलीस्ट एक हेयर ऑयल तो आपका स्वेबर होना ही चाहिए, जो कि मतलब हेयर्स को ठंडा वो फील करवाए। और नवरत्न हेयर ऑयल इतना अच्छा है ना कि ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और ऊपर से ये इतना ठंडा और कूलिंग इफेक्ट देता है ना, और कोई भी हेयर ऑयल ऐसा नहीं है जो मतलब इतना कूलिंग और इतना ठंडा इफेक्ट देता है। मतलब मेरे लिए तो यही मैं मतलब बहुत हेल्पफुल रहा। सो दिस इज हाउ आई और मालिश करती हूँ मैं अपने हेयर्स की। बहुत ज्यादा नीचे से एकदम झाड़ू जैसे हो गए मेरे बाल, आप देख सकते हैं बिल्कुल झाड़ू झाड़ू जैसे बाल है इनका। और क्या बताओ आपको, मतलब इतना ज्यादा खराब हो गया है ना बाल पानी की वजह से। मेरे को आदत है सुबह शाम दिन रात बाल सब पे पानी डालने का, और देखिए बाल बिल्कुल भूखे सूखे एकदम खराब हो चुके हैं। तो बालों में मालिश करना हेयर पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हेयर नहीं तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। एंड क्या बताओ, बहुत ज्यादा फ्रीजी देखिए बालों का हाल क्या है, एकदम झाड़ू जैसे, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब घर साफ हो जाएगी इससे। देखिए कितना बुरा हाल है मेरे बालों का। मतलब मैं तो, आप प्लीज रिकमेंड कीजिए कि मैं अपने बालों का क्या करूँ, जो क्या लगाओ बालों पे जो कि मेरे बाल पूरे से सही हो जाए। मतलब इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। नवरत्न तो मैं भर भर के डालती हूँ, फिर भी यह हाल आप करता हूँ। क्या हाल है बालों का। फिर सेकेंड चीज़, जो दूसरी चीज़ है ना जो मैं लगाती हूँ, वो बहुत नवरत्न के बाद, नवरत्न से ओपन करने के बाद ही मैं ये एक है पेंटी ओपन हेयर मिरेकल। तो गाइस ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर आप सोचते हो कि मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ किसी चीज़ का, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, ये पेंटी ओपन हेयर मिरेकल, ये एक्चुअली चार चीज़ों का काम करता है। ऑयल रिप्लेसमेंट है पहले तो आप, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑयल रिप्लेसमेंट सीरम की तरह भी काम करता है, कंडीशनर भी है और हीट प्रोटेक्टर भी है। तो ऑयल रिप्लेसमेंट बिफोर शैम्पूइंग कीप फॉर 30 मिनट्स एंड रिंस टू गेट नरिश्ड हेयर विदाउट एनी हैसल। सीरम में है कि अप्लाई आफ्टर शावर और डैम्प हेयर फॉर फ्रीज कंट्रोल एंड प्रेगनेंट हेयर, रिप्लेस योर कंडीशनर एंड रिंस ऑफ टू गेट सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर, कीप प्रोटेक्टर अप्लाई बिफोर स्टाइलिंग फॉर में प्रोटेक्टिव हेयर अगेंस्ट स्टाइलिंग। तो ऐसे ही गर्मी बहुत है, गर्मियों की वजह से भी और इतना हीट की वजह से भी बाल जो है ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है ओपन हेयर मिरेकल फॉर पेंटिन कंपनी, तो प्रो वाइटामिन। तो ये लगाने से आपका जो बाल है जो हीट के वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी स्टाइलिंग सब लोग यूज़ करते हैं जैसे कि स्ट्रेटनर वगैरह कर्लर वगैरह, तो ये इससे इसको मतलब फाइनिंग से बचाता है, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इससे भी ये बचाता है। तो ये जो है आप हेयर में लगा सकते हो, ऐसे मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी मुझे पता नहीं कि हर हेयर में ये सूट करेगा कि नहीं, बिकॉज मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, तो मेरे बालों में तो ये ठीक ठीक काम कर जाता है। बाकी देखती हूँ, फिर अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मेरे को इसको यूज़ करते हुए, सिर्फ 2 बार ही यूज़ किया है मैंने, तो आगे मैं आपको रिव्यूज़ भी बताती रहूँगी। अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है, आगे अगर आगे का रिज़ल्ट भी मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो देखेंगे कि बालों का क्या हाल होता है। तो फिर ये करने के बाद मैं
हेयर ऑयल लगाने के बाद मैं शैम्पू करूँगी बालों का और फिर आपको दिखाती हूँ कि रिजल्ट क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बंद है और जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में मैंने क्या किया, मैं जो हूँ अपने बाल में हेयर ऑयल पुट कर रही हूँ, नवरत्न हेयर ऑयल चमक कर रही हूँ हेयर की।